बीजेपी सांसद सौमित्र खान का टीएमसी पर बड़ा आरोप, टीएमसी मर्डर भी करती थी, मुझे मालूम था। सौमित्र ने कहा, मैं बाहर काम करता था, मुझे पता नहीं चला। सौमित्र ने कहा, टीएमसी ने मेरी पत्नी को चोरी किया और ले गए, सौमित्र खान का कहना है ऐसा। सुजाता जी का रिएक्शन इस पर क्या है, सुजाता जी से समझे, उससे पहले हम सुना देते हैं क्या कहा गया। तृणमूल कांग्रेस मर्डर भी करते थे, मेरे को मालूम था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस किसी बीबी को चुरी करके लेके गया, वॉशिंग मशीन में डाल के मेरे बीबी को, मेरे महालक्ष्मी को चुरी किया, क्योंकि बाहर में पब्लिक के लिए काम किया, कभी मेरे को मालूम ही नहीं हुआ जो मेरा बीबी चुरी हो गया। एक तरफ ये कि आज सौमित्र जो हैं वो सुजाता की मेहनत की बदौलत हैं, ये कई लोगों ने कहा, और दूसरा आपने ये भी सुन लिया कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सुजाता को चोरी करके ले जाया गया। क्या पति का चीज़ों को यूं देखना सुजाता जी को ठीक लग रहा है? और दूसरी तरफ उनकी तरफ उनका ये कहना कि मैं तलाक का नोटिस भेज रहा हूँ, अगर दूसरे चोरी करके ले गए हैं तो सुजाता जी को उसमें गिल्टी क्यों माना जा रहा है और तलाक के नोटिस की बात क्यों की जा रही है? सुजाता जी, मैं आपके मांग में सिंदूर देख रहा हूं, और आपको, आप जब कह रही हैं कि उनसे लगाव था, है और रहेगा, तो समझ में आ रहा है। सौमित्र तो कह रहे हैं कि आज से रिश्ता खत्म। सुजाता जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, रिलेशन तो खत्म मैं नहीं करना चाहती हूं, और मैं सोचती हूँ कि पति पत्नी का रिलेशन तो ऊपर से बना के भगवान भेजता है, तो वहाँ पे एक कोई भी पार्टी रिलेशन टूटा दे सकता है एक पॉलिटिक्स की वजह से। अगर सौमित्र आपको ये कहते हैं कि पार्टी का जो लीडर है, पार्टी और सियासत छोड़ो, घर आओ और रहो, और मैं अभी फिलहाल जहाँ हूँ वहाँ मुझे राजनीति करने दो, और मुझको लेकर बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, पॉलिटिक्स में पार्टी मेरे लिए जो तय करेगी वो होने दो, आपको ये मंजूर होगा? देखिए, अगर सौमित्र, इतना दिन मैं तो सौमित्र की वाइफ बन के ही रह गई, ठीक है, और सौमित्र वो भी भूल गया कि मेरा एक वाइफ है। सौमित्र के पास मतलब जैसे पार्टी में मुझे सम्मान देने के लिए भूल गया, सिर्फ मीठा मीठा बात, और तुम बहुत लड़ाकू हो, तुम ये हो वो बोल के ही पार कर दिया 2 साल। पार्टी जैसे नहीं सोचा कि नहीं, सुजाता को एक जगह, छोटा सा जगह दे, एक छोटा सा सम्मान दे, सुजाता बदले में पार्टी को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन नहीं, ऐसे सौमित्र भी सोच लिया कि चलो सुजाता को याद करे ना करे, सुजाता ठीक रह जाएगा। दीपक दीवान साहब के पास मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर है हम में से हर कोई इंसान भी है, और उसके बाद एक जर्नलिस्ट, और वो भी वेटरन जर्नलिस्ट होने के नाते पॉलिटिक्स जिन्होंने देखी है।